वेलकम टू रीकैप वाला, और हमारी आज की मूवी है साल 2021 में रिलीज हुई डेंजरस, जो कहानी है एक वायलेंट मेंटल पेशेंट की जो काफी मेहनत के बाद अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा है, पर जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं तब ये आदमी फिर से वायलेंस पर उतर आता है और एक खूनी वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारी आज की वीडियो की तरफ, और अगर आपको इस तरह के वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है डेलन नाम के एक आदमी से जो रिसेंटली जेल से परोल पे बाहर आया है और अब अकेले रहता है। डेलन एक बेहद गुस्से वाला और वायलेंट आदमी हुआ करता था जो मल्टीपल मर्डर केसेस के लिए जेल में बंद था, पर अब वो बदल चुका है और अपने गुस्से और रेज को कंट्रोल करने के लिए वो एक डॉक्टर एल्डरवुड नाम के साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहा है। डेलन के पास की वजह से उसकी फैमिली अब उससे बात नहीं करती, और उसका शॉन नाम का एक छोटा भाई है जो उसे कभी कभी लेटर्स लिखता है। एक दिन डेलन को पता चलता है कि शॉन की डेथ हो गई है और उसके डेथ सर्टिफिकेट पे गार्डियन आइलैंड का एड्रेस होता है जहां उसकी फैमिली रहती है। अपने भाई की डेथ की न्यूज से डेलन बेहद सैड होता है, पर वो रियलाइज करता है कि उसके घर में उसके सिवा कोई और भी है, और वो देखता है कि उसके घर में एक चोर घुस आया है जो उसके सामान से छेड़छाड़ कर रहा है। डेलन उस चोर को पोलाइटली अपने घर से बाहर जाने को बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि गुस्सा आने पे वो अपनी वॉयलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर उस चोर के पास गन होती है और वो डेलन के सामने टफ एक्ट करता है और डेलन उसे अपना असली रूप दिखाता है। अगले दिन शहर की पुलिस स्वाट टीम के साथ डेलन के घर आती है क्योंकि वो अपनी परोल खत्म होने के बाद भी जेल वापस नहीं आया, पर डेलन घर पे नहीं होता और पुलिस को उसके बाथरूम में से वो चोर बंधा हुआ मिलता है जो कल डेलन को लूटने आया था, और डेलन ने उसे बेहद बुरी तरीके से पीटा भी होता है। इस स्वाट टीम को एजेंट सोनेसी लीड कर रही होती है, और डेलन के घर की तलाशी में पुलिस को उसकी कुछ मेडिसिन मिलती हैं जो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए खाता है, और उस दवाई के लेबल पे सोनेसी को डेलन के डॉक्टर एल्डरवुड का नाम भी मिल जाता है। सोनेसी इन्वेस्टिगेट करने उस डॉक्टर के घर जाती है और उससे डेलन के बारे में क्वेश्चंस पूछती है, और डॉक्टर एल्डरवुड कहता है कि डेलन पहले जैसा वायलेंट आदमी नहीं है और अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया है। डॉक्टर कहता है कि पुलिस को अगर उसके किसी भी पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें पहले एक जज की परमिशन लेनी पड़ेगी, पर वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि वो डेलन को अपने पेरोल वायलेशन के लिए मिलते ही अरेस्ट करने वाले हैं। एक पुलिस वाला सोनेसी को बताता है कि डेलन के भाई की डेथ हो गई है, इसलिए शायद वो अपने भाई की फ्यूनरल अपने घर गया हो, और सोनेसी अपने सीनियर से गार्डियन आइलैंड जाके उसे अरेस्ट करने की परमिशन मांगती है। उधर डेलन एक बोट से उस आइलैंड तक पहुंच जाता है और आइलैंड पे उतर के उसे पता चलता है कि उसका भाई शॉन एक बेहद रिच आदमी था जिसके इस आइलैंड पे काफी बिजनेसेस थे और वो इस पूरे आइलैंड को खरीदना भी चाहता था। डेलन वहां के एक होटल में चेक इन करता है और उस होटल की रिसेप्शनिस्ट जो उसे उसके रूम की चाबी देती है। अपने रूम में जाके डेलन सालों बाद खुद को अपनी फैमिली से मिलने के लिए प्रिपेयर करने लगता है, और वो एक पेपर को बार बार पढ़ता है जिसपे उसने अपनी माँ के लिए एक अपॉलोजी लिखी होती है। डेलन शॉन की फ्यूनरल के लिए अपने घर जाता है और उसे वहाँ सबसे पहले अपनी माँ लिंडा दिखाई देती है जो उसे सालों बाद देख के काफी नाराज होती है और कहती है कि उसे तो इस वक्त जेल में होना चाहिए और उसका भाई शॉन भी उसी की वजह से मरा है क्योंकि उसने कभी अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया। डेलन अपनी माँ की हेट पे ध्यान नहीं देता और शॉन के कॉफिन को घूरने लगता है। वो नोटिस करता है कि शॉन के फिंगर नेल्स में काफी धूल जमा है और उसके कान के पीछे किसी चोट या सर्जरी के निशान है, और वो समझ जाता है कि शॉन का किसी ने मर्डर किया है। डेलन को वहां देख के शॉन की वाइफ सूजन भी उससे मिलती है और उसे कहती है कि उन्हें शॉन की डेड बॉडी इसी हालत में आइलैंड के लाइट हाउस के पीछे मिली थी, और पुलिस का मानना है कि उसकी मौत शायद लाइट हाउस से गिर के हुई है, पर डेलन को यकीन होता है कि उसके भाई की डेथ एक्सीडेंटल नहीं है। सूजन लिंडा के पास जाके कहती है कि डेलन सालों बाद आज घर वापस आया है, इसलिए उसे उसके साथ इतनी हार्शली बात नहीं करनी चाहिए, पर लिंडा सूजन को कहती है कि डेलन एक क्रिमिनल है जो कभी नहीं बदल सकता और उसकी वजह से पुलिस हमेशा हमारे घर आती रहती थी, और मुझे यकीन है कि इस बार भी डेलन की वजह से हमारी फैमिली पे और मुसीबतें आने वाली हैं। डेलन वहाँ शॉन के बेस्ट फ्रेंड मैसी से भी मिलता है और उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, और मैसी कहता है कि शॉन का काम बेहद अच्छा चल रहा था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी इस आइलैंड का शेरिफ मैकॉय भी मैसी के पास आता है जिसने डेलन के बेहद किस्से सुने होते हैं, और वो डेलन को शक की नजरों से देखने लगता है। डेलन अपने रूम में जाके डॉक्टर एल्डरवुड को कॉल करता है और कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वॉयलेंस का रास्ता छोड़ने के बाद तो उसकी माँ उसे माफ कर देगी, पर वो अब भी उससे नफरत करती है, जिसपे डॉक्टर उसे ट्राई करते रहने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे किसी भी तरह की वॉयलेंस से वहां दूर रहना है।
उधर शॉनसी डिलन को ढूंढने के लिए अलर्ट इशू कर देती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डिलन एक बेहद खतरनाक आदमी है। और ऐसा ही एक अलर्ट आयरलैंड के शेरिफ मैकॉय को भी मिलता है जो डिलन के बारे में पढ़ते ही उसे अरेस्ट करने के लिए निकलता है। डिलन फिर से अपनी माँ लिंडा से बात करने का ट्राई करता है और कहता है कि वो अब बदल चुका है और एक साइकियाट्रिस्ट से अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी सीख रहा है। तभी शेरिफ एक शॉटगन लेके वहां आ जाता है और डिलन को अरेस्ट कर लेता है। शेरिफ सबसे कहता है कि डिलन एक वांटेड आदमी है और वो उसे हथकड़ियां लगा के आयरलैंड की एक छोटी सी जेल में लॉक कर देता है। वो कहता है कि उसने शहर की पुलिस को डिलन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, इसीलिए वो उसे लेने यहां आते ही होंगे। पर डिलन ये सुन के जरा भी पैनिक नहीं करता और उससे बस अपनी मेडिसिन मांगता है। और शेरिफ को ये बड़ा अजीब लगता है क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एक एक्सट्रीमली वायलेंट आदमी है और डिलन ने अब तक एक बार भी भागने या लड़ने का ट्राई नहीं किया। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और उसे लगता है कि शायद पुलिस डिलन को लेने आ गई है, इसीलिए शेरिफ जो को डिलन के लॉकअप की चाबी देके बाहर जाने लगता है और कहता है कि अगर ये आदमी भागने की कोशिश करे तो इसे शूट कर देना। शेरिफ मैकॉय बाहर जाके एक बोट पे से कुछ हथियारबंद आदमियों को आइलैंड पे उतरते हुए देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं। ये सारे आदमी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं और इनका लीडर कोल नाम का एक आदमी होता है। जब शेरिफ इन आदमियों से आइलैंड पे आने की वजह पूछता है तब कोल के आदमी उस पर फायरिंग कर देते हैं और वो भी कवर लेके उन पर रिटर्न फायर करता है, पर कोल उस शेरिफ को शूट करके मार डालता है। इस फायरिंग की आवाज डिलन को भी आती है और वो जो से खुद को खोलने के लिए कहता है पर जो उसकी बात नहीं मानती। पर जब वो उससे कहता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है तब जो उसे खोल देती है। उधर कोल अपनी टीम के स्नाइपर को लाइट हाउस पे जाने के लिए बोलता है और एक आदमी को उस बंकर में भेजता है जहां इस वक्त डिलन और जो है, और बंकर में जाके वो आदमी देखता है कि डिलन की जगह जो लॉकअप में बंद है। पर ये सब एक डायवर्जन होता है और डिलन पीछे से आके उस आदमी पे अटैक कर देता है और सिर्फ उसे इंजर्ड करता है क्योंकि उसने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया होता है कि वो किसी की जान नहीं लेने वाला। डिलन शेरिफ की शॉटगन लेके जो के साथ छुपता हुआ अपने घर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि कोल अपने आदमियों के साथ उसके घर में घुस गया है। कोल डिलन की फैमिली को होस्टेज बना लेता है, पर जब वो देखता है कि उसका बंकर में भेजे हुए अपने आदमी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तब वो अपने एक आदमी को वहीं छोड़ के बाकियों के साथ उस बंकर में जाता है। कोल को वहां अपना आदमी इंजर्ड हालत में मिलता है जिसे वो खुद शूट करके मार देता है क्योंकि उसने डिलन को जाने दिया। साथ ही उसे डिलन के वांटेड पोस्टर्स भी मिलते हैं और वो उसे पहचान जाता है क्योंकि डिलन उसके गैंग के लिए कुछ सालों पहले काम कर चुका है। कोल अपने आदमियों को डिलन को ढूंढने के लिए कहता है और उधर डिलन अपने घर पहुंच के कोल के एक और आदमी को घायल कर देता है। डिलन के भाई शॉन ने इस घर को बेहद हाईटेक तरीके से बनाया होता है और डिलन के कहने पर उसके फैमिली मेंबर्स घर के सभी डोर्स और विंडोज लॉक करने की कमांड देते हैं। बाहर से कोल और उसके आदमी भी देखते हैं कि घर अब लॉक हो चुका है और वो घर में घुसने का कोई और दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। डिलन की माँ कहती है कि उसे यहाँ से अब चले जाना चाहिए क्योंकि वो लोग यहाँ उसे ही मारने आए हैं, पर डिलन कहता है कि मेरी इन आदमियों से कोई दुश्मनी नहीं है और ये लोग यहाँ किसी और मकसद से आए हैं, पर अगर फिर भी लिंडा चाहती है कि वो यहाँ से चला जाए तो डिलन घर से बाहर चला जाएगा। जिसके बाद डिलन सूजन से कह के पीछे का दरवाजा खुलवाता है और घर से बाहर निकल जाता है। डिलन के घर से जाने के बाद लिंडा और उसकी फैमिली वाले सोचने लगते हैं कि उन्हें कोल और उसके गुंडों को बता देना चाहिए कि डिलन यहाँ से जा चुका है, इसीलिए वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा सा कपड़ा लटका देते हैं जिसमें लिखा होता है कि डिलन चला गया है। उधर डिलन आइलैंड के एंड पे कोल के दो आदमियों को बोट में से कुछ मशीन्स निकालते हुए देखता है। उन आदमियों के जाने के बाद डिलन आगे बढ़ता है पर लाइट हाउस पे बैठा स्नाइपर उसे देख लेता है और उस पे शूटिंग करने लगता है और डिलन गोलियों से बचता हुआ एक बोट पे बैठ के उस आइलैंड से भाग निकलता है। और वो स्नाइपर कोल को रेडियो पे कहता है कि डिलन आइलैंड से जा चुका है और कोल अपने आदमियों को अपने मेन काम पे फोकस करने को कहता है। पर डिलन अपनी फैमिली को छोड़ के भागने वालों में से नहीं होता और वो कोल के आदमियों को चकमा देके बोट घुमा के आइलैंड के दूसरी तरफ से वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल के आदमी उन मशीन से जमीन के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं और कई जगह खुदाई भी कर रहे हैं। कोल घर के पास जाके डिलन की फैमिली से कहता है कि वो लोग उन्हें बिना हार्म करे यहाँ से चले जाएंगे अगर वो उनकी खजाना ढूंढने में हेल्प करें तो। लिंडा या किसी को भी नहीं पता होता कि कोल कौन से खजाने की बात कर रहा है और फाइनली लिंडा मानती है कि डिलन सही था और ये लोग यहाँ उसके पीछे नहीं आए हैं। उधर एजेंट शॉनसी अब भी गार्डियन आइलैंड जाने के लिए स्वाट टीम के अप्रूवल का वेट कर रही होती है और ये जान के कि डिलन वही है वो बिना किसी बैकअप के अकेले ही उसे पकड़ने उस आइलैंड की तरफ जाने लगती है। कोल के आदमी कई घंटों से अपनी मशीन से आइलैंड की जमीन को स्कैन कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि उन्हें मशीनों पे टाइम वेस्ट करने की जगह उस घर में घुस जाना चाहिए क्योंकि उन घर वालों को जरूर उस खजाने के बारे में कुछ पता होगा। डिलन भी कोल के आदमियों को कुछ ढूंढते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि ये लोग जरूर जमीन के नीचे कुछ बेहद कीमती चीज ढूंढ रहे हैं।
जब कोल का एक आदमी उस घर के बेसमेंट में घुसने में कामयाब होता है, तब डिलन भी घर के ऊपर चढ़ के खिड़की से घर के अंदर कूद जाता है और बेहद बहादुरी से कोल के कुछ आदमियों को मार के उनके हथियार छीन लेता है। डिलन सभी से कहता है कि शॉन ने जरूर इस आइलैंड पे कुछ बेहद कीमती छुपाया है जिसे ढूंढने कोल अपने आदमियों के साथ यहाँ आया है। तभी कोल डिलन को आवाज मारता है और उसे घर में छिपने के लिए कायर कहता है, पर डिलन कायर नहीं होता और वो मेन डोर से कोल के सामने आके खड़ा हो जाता है। कोल लाइट हाउस में बैठे अपने स्नाइपर को डिलन को मारने का इशारा करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और डिलन पे कोई गोली भी नहीं चलती। कोल शॉक में होता है, पर हमें पता चलता है कि आइलैंड पे वापस आते वक्त डिलन ने लाइट हाउस पे चढ़ के उस स्नाइपर को घायल कर दिया था और उसे लाइट हाउस पे ही बांध दिया था और कोल को इंसल्ट करते हुए वो वापस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर शॉन के स्टडी मटेरियल और मैप्स को देख के डिलन ये रियलाइज करता है कि शॉन कोल के साथ मिलके इस आइलैंड को खरीदना चाहता था, क्योंकि इस आइलैंड के नीचे कुछ बेहद वैल्यूएबल चीज छुपी हुई है। तभी डिलन की फैमिली शॉन का बनाया हुआ एक सीक्रेट डोर भी ढूंढ निकालती है और डिलन अपनी फैमिली को घर में ही रहने का बोल के शॉन के फ्रेंड मैसी के साथ उस डोर के अंदर चला जाता है। वो दरवाजा उन्हें एक सुरंग तक ले जाता है और सुरंग के एंड में मैसी और डिलन को एक जापानीज सबमरीन मिलती है जिसमें वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की चुराई हुई गोल्ड ब्रिक्स पड़ी होती हैं, जो देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। एजेंट शॉनसी जब आइलैंड पे जाने वाली एक फेरी में होती है, तभी उसका एक आदमी उसे बताता है कि कोल और उसके कुछ हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी इस वक्त उस आइलैंड पे हैं, इसीलिए वो उसे अकेले वहां जाने के लिए रोकता है। पर शॉनसी नहीं मानती और आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए वो वहां जाने लगती है। उधर कोल भी अपने बचे हुए दो आदमियों के साथ उस सुरंग को मशीन से ढूंढ निकालता है और सुरंग में आते ही वो मैसी और डिलन पे फायरिंग करता है, क्योंकि सारी गोल्ड ब्रिक्स अब उनके पास होती हैं। डिलन तुरंत डॉक्टर एल्डरवुड को कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ देर के लिए पुराना वाला डिलन बनके कुछ लोगों को मारना पड़ेगा, वरना उसकी और उसके फैमिली मेंबर्स की जान को खतरा हो सकता है। और डॉक्टर कहता है कि सबको जिंदा रखने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो कर सकता है। अब डिलन और मैसी कोल और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं और डिलन सबमरीन पे लगी एक पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन से कोल के आदमियों को मार डालता है, पर कोल डिलन की माँ लिंडा को पकड़ लेता है और अपनी माँ को बचाने के लिए वो हथियार डाल के कोल के सामने आ जाता है। मैसी उस पुरानी गन पे चढ़ के कोल को शूट करने वाला होता है, पर कोल उससे पहले ही उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो डिलन को सारी गोल्ड ब्रिक्स इकट्ठी करके उसे देने के लिए कहता है, पर डिलन वो ब्रिक्स उसे देने के बजाय नीचे पानी में फेंक देता है। और तभी वहाँ एजेंट शॉनसी आ जाती है जो उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है, पर कोल उसे भी शूट करके इंजर्ड कर देता है और लिंडा को नीचे धक्का मार देता है, जो गिरने की जगह वहीं लटक जाती है। और डिलन कोल को एक चाकू घुसा के नीचे पानी में फेंक देता है और अपनी माँ को बचा लेता है, जो उसे पास्ट के लिए माफ कर देती है। सबको बचाने के बाद इन दी एंड हम देखते हैं कि डिलन एक बैग में थोड़ा सा गोल्ड लेके आइलैंड से जा रहा है और वो डॉक्टर एल्डरवुड को एक फाइनल गुड बाय कहता है और अपनी मेडिसिन समुद्र में फेंक के अपनी बोट स्टार्ट करके कहीं दूर निकल जाता है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।